श्री परशुराम सेना इंदौर महानगर एवं ब्राह्मण समाज के संगठन उत्थान एवं संस्कार वृद्धि के लिए निरंतर क्रियाशील है। इसी क्रम में परशुराम सेना द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अंतर्गत 21 अप्रैल रविवार को राजमहला स्थित खालसा स्टेडियम में प्रातः 10 बजे से ब्राह्मण समागम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत धर्म संसद एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। परशुराम सेना इंदौर महानगर के अनूप शुक्ला, विनोद द्विवेदी, अनिल तिवारी ने बताया कि तिथि एवं त्योहार मनाने को लेकर उत्पन्न मत भिन्नता को समाप्त करने के लिए यहां पर विद्वान ज्योतिषाचार्य, पुजारी एवं कर्मकांडी ब्राह्मण एकत्रित होंगे। विष्णु प्रसाद शुक्ला बड़े भैया, पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक एवं दिनेश गुरुजी के मार्गदर्शन में सरकारी मंदिरों में नियुक्त पुजारियों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की मांग पर भी चर्चा होगी। परशुराम सेना के दीपक शर्मा, राजेश दुबे एवं वैभव पांडे ने बताया कि कार्यक्रम में लगभग 10,000 ब्राह्मण बंधुओं के सपरिवार सम्मिलित होने की संभावना है। यहां पर कार्यक्रम के उपरांत स्नेह भोज का आयोजन भी किया गया है। समाधान सूक्ष्म रूप में हो, क्योंकि जब तक ब्राह्मण इसका समाधान नहीं करेगा, अन्य लोग कैसे इस विषय पर जाएंगे कि कौन सा त्यौहार कब है। मुख्य उद्देश्य तो ये वाला है। इसके बाद में जो ब्राह्मण नियुक्त हैं शासन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर में, उनका मानदेय बहुत न्यूनतम रखा है। उस न्यूनतम मानदेय से उनका भरण पोषण करने में उनको समस्या है, तो शासन से, प्रशासन से इस विषय में चर्चा की जाएगी कि उनका मानदेय आगे थोड़ा बढ़ाया जाए, जिससे उनको उनको परिवार को चलाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जी गुरुदेव बताइए, जो एक मतभेद वाला जो मामला है उसको कैसे दूर किया जाएगा और किस तरीके जो आयोजन हो गया है उसको लेकर आप क्या पूरी प्लानिंग है? 21 अप्रैल को ब्राह्मण समागम परशुराम सेना द्वारा आयोजित किया गया है। ब्राह्मण समागम में मुख्य विषय होगा जो व्रत पर्व की मतभिन्नता को लेकर देश भर के विभिन्न जो है विद्वान आचार्य एक जाजम पर एकत्रित होंगे। धर्माचार्यों के सानिध्य में यह निर्णय लिया जाएगा कि ये व्रत पर्व की मतभिन्नता का मुख्य कारण क्या है।